हम मिडिल क्लास वाले हैं मेरे दोस्त, हमें अपनी इच्छाएं मार के बाहर कमाने जाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भाई, मुझे शौक था एक ग्राफिक डिजाइनर बनने का। अभी इसके लिए देखते हैं तो मैंने एक डिजाइन भी किया है नॉर्मल सा, अभी यूँ ही इसकी मैंने ट्यूटोरियल भी डाली है चैनल पर, ठीक है, नॉर्मल से मैंने यूँ ही बनाया था। तो अभी मैं ख्याल से अगर आपको बताऊँ तो अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 4:30 लमसम टाइम हो रहा होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 4:34 हो रहा है अभी भोर का। सर मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, क्यों नहीं सोया मैं आपको बताता हूँ इसका भी रीज़न। क्योंकि देखो आज मतलब मेरे घर में मेरा लास्ट आज डे है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, क्योंकि पता है कि मैं मिडिल क्लास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे की दिक्कत होती है। तो मैं अपना जो पीसी है, हालांकि पीसी से अपनी बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है। तो मेरे पास कोई इंस्पेक्चुरल कोई कोर्स नहीं है, बट यहाँ पर मैं क्योंकि मतलब यूट्यूब से देख देख के मतलब ज्वाइन करके डिजाइन वगैरह करना सीखता हूँ। नॉर्मल एक तरह से कह सकते हो मैं एक नॉर्मल डिजाइनर तो हो ही गया हूँ अभी तक। और इसमें क्या है कि अब देखो पैसे की प्रॉब्लम है, फैमिली इनकम की वजह से मुझे अपने पीसी को छोड़ के जाना पड़ा है, मतलब बाहर जाना पड़ा है, एक दो महीने तीन महीने की बाहर कमाने कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे इसलिए अफसोस नहीं हो रहा है कि मुझे बाहर कमाने, अफसोस इसलिए हो रहा है कि मैं अपने पीसी को और मैं अपने डिजाइनिंग को यहाँ की ब्रेक करके जा रहा हूँ। इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मतलब मुझे अपना क्या कहते इच्छाएँ मार के जाना पड़ रहा है मेरे भाई। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूँ, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि लड़कों में इतना आसान नहीं होता, उन्हें अपनी मतलब इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है, मतलब लड़कों में अच्छी बात है, बट अगर आप मिडिल क्लास से हो तो उसमें लोग आपके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती, बड़ी चट्टान की तरह कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट मैं यही कहूँगा यार, मुझे अपनी किसी से बहुत प्यार है, इसे मुझे छोड़ के जाने तो बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं कीबोर्ड पे काम नहीं कर पाऊँगा कुछ महीने, और अब मेरा स्क्रीन मतलब आई कांटेक्ट में नहीं आएगा, बेचारा यूनिट बंद रहेगा, और मेरी जो स्किल्स है यही ब्रेक रहेंगी कितने दिनों तक नहीं पता। तो इसलिए तकलीफ होती है यार कि शायद मैं भी अगर यूट्यूब पे अब तक सक्सेस हो गया होता, मैं यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, अगर आपको बताऊँ तो 4+ होंगे मेरे ख्याल से, लोग 6 महीने में यूट्यूब पर सफल हो जाते हैं। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना 100% दिया अपने वीडियोस में, सब कुछ दिया। हालांकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता होगा कि गांव के लोग किस टाइप के, मतलब इस टाइप के अगर आप वीडियो शूट करते हो, अगर लोग देखते हैं तो लोग बोलेंगे कि साला पागल हो गया है, फालतू की चीज़ें कर रहा है। फिर मैंने स्टार्टिंग किया, ठीक है, और मेरे इनकम वगैरह भी थोड़े बहुत आते हैं साल भर में, ऐसे करके चले। बस मैं यही कहूँगा, तकलीफ़ होती है कि मतलब यूट्यूबर्स भी मैं नहीं बन पाया, अपने घर का सपोर्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए मुझे सब छोड़ के जाना पड़ा है। मेरे भाई, आप अगर आप भी अपने सपने मारे हो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या हॉबीज़ थी और आपने क्या क्या अपने सपने मार के अपने घर से मतलब जॉब के लिए निकले थे, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरे पास टाइम रहा तो वीडियो शूट करूँगा, अगर नहीं रहा तो वीडियो शूट करने का कोई मतलब ही नहीं। एक बार आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, अगर आपके दोस्त भी ऐसे मतलब अपनी हॉबीज़ को छोड़ के कहीं गए हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो के अच्छे खासे व्यूअर्स आएंगे।